Students, in this video we are doing question number 1 of exercise 5.1 from chapter arithmetic progression, and this question has 4 parts. These are very very easy. Let's start it. Students, first question is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? मीन टू से फर्स्ट क्वेश्चन के 4 सिचुएशन गिवन है हमें, तो हमें ये बताना है कि ये 4 सिचुएशंस जो हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती हैं या नहीं करती हैं. अगर ये फॉर्म होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन वाई, उसका रीज़न बताना है. एंड द फर्स्ट सिचुएशन इज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर फॉर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, रुपीज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज़ 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. फर्स्ट किलोमीटर के जो है चार्जेस वो 15 रुपीज़ हैं, एंड आफ्टर दैट ईच किलोमीटर के जो चार्जेस हैं दैट इज रुपीज़ 8. देन जर्नी फॉर फर्स्ट किलोमीटर, जर्नी फॉर 1 किलोमीटर भी कह सकते हैं फर्स्ट किलोमीटर, वो कितनी है, रुपीज़ 15, रुपीज़ 15. And journey for 2 kilometers, ये कितनी होगी? इसमें से first kilometer की तो 15 है, after that 1 kilometer left, 1 kilometer के जो charges हैं वो rupees 8 है. It mean to say we will add rupees 8. Then this is the journey for 2 kilometers, this will be rupees 23, rupees 23. And after that journey for 3 किलोमीटर दैट विल बी 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, रुपीज 8 फॉर सेकेंड किलोमीटर, रुपीज 8 फॉर थर्ड किलोमीटर. मीन टू से 3 किलोमीटर दैट इज रुपीज 31. जर्नी फॉर 4 किलोमीटर्स दैट विल बी रुपीज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर्स, 8 फॉर सेकेंड, 8 फॉर थर्ड, 8 for 4, it will be rupees 39. So we got numbers like this, rupees 15, rupees 23, rupees 31 and rupees 39 and so on. हमें ये बताया नहीं गया जर्नी कहाँ तक है, कितने किलोमीटर्स की जर्नी है, तो हम यहाँ पे एंड सो ऑन डाल देंगे. तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, A1, A2, A3, A4. तो इनमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो उसमें हम नंबर्स दे देते हैं A1, A2, A3, A4. तो अब हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमें A2 माइनस A1, दिस इज इक्वल टू 23 माइनस 15, दिस इज 8, रुपीज 8. देन अगेन डिफरेंस A3 माइनस A2, this is 31 minus 23, this is also rupees 8. And again difference find out karenge A4 minus A3, this will be 39 minus 31, this rupees 8. तो इन consecutive numbers का, ये जो numbers हैं इनका जो difference है, common difference है, that is same. It mean to say this situation forms an AP series. मीन टू से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जब भी कॉमन डिफरेंस कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सेम होता है देन ये क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है. तो दिस सिचुएशन फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस सिचुएशन फॉर्म्स एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो दिस इज द रीजन बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम. Let's do the second situation. The amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. So, according to this situation, हमें बताना है कि ये जो situation है ये AP form करेगी या नहीं करेगी. तो यहाँ पे suppose करेंगे let the amount of air
present in the cylinder? B. V units. Units are not given to us, but volume of ये होगा volume of cylinder. So I have taken V units. So we have given a situation that when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. So first unit जो है V है. इसकी जो second situation होगी, second situation में क्या होगा? इसमें second path में क्या होगा? जितनी amount है उसमें से 1/4 अमाउंट जो है, जितना वॉल्यूम है वो हमने क्या कर देना, रिमूव कर देना, मीन टू से सब्ट्रैक्ट कर देना. सिलेंडर में पहले एयर प्रेजेंट थी वी, उसका 1/4, उसी वी का 1/4 हमने क्या कर देना, रिमूव कर देना, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना. तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 4, 4V माइनस 1V, दिस इज इक्वल टू 3V अपॉन 4. दिस इज द सेकेंड सिचुएशन. नाउ इन थर्ड सिचुएशन, थर्ड लिस्ट में क्या होगा हमारे पास, जितना ये रिमेनिंग है, जितना ये रिमेनिंग है उसमें से हमने इसका 1/4 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है. 1/4 इसी रिमेनिंग ईयर का हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सो सॉल्व इट, दिस इज 3V अपॉन 4 माइनस, इट विल बी 3V अपॉन 16 एंड टेक एलसीएम. 16 is LCM, then it will be 12V minus 3V, this is equal to 9V upon 16. So these are the numbers, these are the numbers. V, first number is V, second number is 3V upon 4, and third number is 9V upon 16. We will call it as A1, A2, A3. We have to find out the now, we have to find out the common difference. So common difference, A2 minus A1, mean to say 3V upon 4 minus V. V upon 1, this is 4. 3V minus 4V, this is minus V upon 4. This is the first difference. And second difference is A3 minus A2. It will be 9V upon 16 minus 3V upon 4. Now take calcium, 16, calcium is 16, then 9V minus 12V. This will be minus 3V upon 16. So the difference is not same here. This difference and this difference is not same. So this situation does not form an AP. This situation does not form an AP. This situation does not form an AP. So this is the answer of second situation. Now part number 3 of first question. The cost of digging a well after every meters of digging, when it costs rupees 150 for first meter, rupees 150 for first meter, and rises by rupees 50 for each subsequent meter. Mean to say, digging cost of, the cost of digging a well for first kilometer, this is rupees 150, and cost of digging a well for second kilometer, for 2 kilometers, that will be rupees 150 for first kilometer and rupees 50 for second kilometer, and after that 50 rupees jo hai wo kya ho jayenge, increase hote jayenge. To yahan pe 2 kilometers ki jo digging hai ye kitni hai, rupees 200, and then again
for 3 kilometers. This is rupees. ये 200 है हमारे 200 के 200 rupees जो हैं वो 2 kilometers के हैं. तो we will add 200 plus rupees 50. This is rupees 250 for 3 kilometers. And after that, for 4 kilometer, this will be rupees 250 for 3 kilometers. And after 1 kilometer, it will be rupees 250 plus 50, it will be rupees 300. So the numbers are rupees 150, rupees 200, rupees 250 and rupees 300. So ye numbers hain A1, A2, A3, A4. We have to find out the difference. Difference is A2 minus A1 mean to say 200 minus 150. This is rupees 50, and again A3 minus A2 mean to say 250 minus 200. This is rupees 50, and again A4 minus A3. This is 300 minus 250. This is 50. So the common difference is same. This is of rupees 50. So this ration forms an AP. So this ration forms an AP because difference is same, common difference is same. So this is the answer of third part. Now fourth question is the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. सो इस सिचुएशन में हमें अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, तो फर्स्ट ईयर की जो अमाउंट है दैट इज रुपीज 10,000. अमाउंट इन द अकाउंट फॉर फर्स्ट ईयर. इट इज रुपीज 10,000. रुपीज 10,000. देन अमाउंट के लिए हमें एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा. अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर टी मीन टू से टाइम. तो यहां पे क्या होगा? अमाउंट इन द अकाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर ये होगा रुपीज. तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे. तो ये जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का होगा ये सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल. सो ये होगा 10,000 इंटू 1 प्लस आर, हमें रेट दी हुई है 8%. तो टाइम यहाँ 1 से 2 ईयर्स का हुआ, तो 1 ईयर का टाइम है, तो टाइम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 1. तो इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज इक्वल टू 10,000 इंटू, टेक एल्सियम एंड इट विल बी 108/100 एंड 100 कट एंड दिस इज रुपीज 10,800. ये अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर होगा. फिर इसके बाद अमाउंट इन द अकाउंट फॉर थर्ड ईयर. दिस विल बी इक्वल टू रुपीज 10,000 प्रिंसिपल इंटू 1 plus 8/100 रेज टू पावर 2. नाउ सॉल्व इट. 10,000 इंटू 108/100 होगा, तो ये 2 टाइम्स है 108/100. देन जीरोज कट हो गई यहाँ पे. 108 into 108 करेंगे, इट विल बी 11,664 रुपीस. सो यहाँ पे नंबर्स हैं, फर्स्ट ईयर का जो नंबर है दैट इज रुपीज 10,000, सेकेंड ईयर का नंबर जो है वो है हमारे पास 1,800 एंड अनदर नंबर इज 11,664. सो दिस वन इज A1, A2, A3 एंड सो ऑन.
we have not given numbers of years, how many numbers the amount will be continued. So यहाँ पे हम so on कर देंगे. तो यहाँ पे common difference find out करना है हमने D. तो first जो common difference होगा that will be A2 minus A1, 10,800 minus 10,000. This is 800 rupees and the gain difference 11,664 minus 10,800. तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11,664 में से 10,800 माइनस करेंगे तो दिस विल बी 764. सो रुपीज 764. सो यहाँ पे देखिए जो कॉमन डिफरेंस है दिस इज़ नॉट सेम. जो फर्स्ट डिफरेंस है दिस इज 800 एंड सेकंड डिफरेंस इज रुपीज 764. सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. So this situation does not form an AP series. So this situation does not form an AP. So this is the end of the question number 1. We will do question number 2 in next video. Till then, bye bye, take care, have a nice day.